भागलपुर के नवगछिया में एक जगह है कार्तिक टोला। यहाँ के एक नियोजित शिक्षक ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इस बाबत उन्होंने पटना से लेकर दिल्ली तक पत्राचार किया है। क्या है इसके पीछे की वजह, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एक नियोजित शिक्षक ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। भागलपुर के नवगछिया के नियोजित शिक्षक घनश्याम कुमार ने इस संबंध में पीएमओ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और मानवाधिकार आयोग को पत्र भी लिखा है। इस तरह के पत्राचार से हड़कंप मच गया है। दरअसल नियोजित शिक्षक घनश्याम कुमार के दो बेटे डीएमडी यानी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित है, जिसमें 80 से अधिक प्रतिशत विकलांगता के शिकार हो चुके हैं। इसमें एक का नाम अनिमेश अमन है, जिसकी उम्र 17 साल है और 9वीं का छात्र है। वहीं दूसरे बेटे का नाम अनुराग आनंद है, जिसकी उम्र 9 साल है और वो 3री कक्षा में पढ़ रहा है। दोनों बेटा मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंदी न्यूज चैनल की टीम जो है वो घनश्याम कुमार के घर पहुंची, उसके बच्चों को देखा, साथ ही उनसे बातचीत भी की है। घनश्याम कुमार ने बताया है कि मेरे कुल 5 बच्चे हैं, इसमें से 3 लड़की और 2 लड़के हैं। मेरे दोनों लड़कों को लाइलाज गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है, जिस वजह से दिनों दिन वो मौत की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैं नियोजित शिक्षक हूँ, अगर मेरा स्थानांतरण होता है तो मेरे दोनों बेटे की देखभाल कौन करेगा। घनश्याम कुमार ने कहा है कि अब तक वो 50 से 60 लाख रुपए अपने दोनों बेटों पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। देश भर में करीब 6 से 7 राज्यों में इलाज कराकर थक चुका हूँ, अब मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं। घनश्याम कुमार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद अब शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी में है। वहीं मेरे बच्चों की उम्र के साथ साथ विकलांगता बढ़ती जा रही है। बच्चों का नित्य क्रिया और दैनिक क्रिया मुझे ही कराना पड़ता है। यदि सरकार ट्रांसफर कहीं दूर कर देती है तो बच्चों की देखभाल मुश्किल हो जाएगी। बच्चे पल पल घुट घुट कर दम तोड़ने लगेंगे। घनश्याम कुमार कहते हैं कि मैं परिवार में अकेला ही कमाने वाला हूं, अपने दोनों बेटों की देखरेख करता हूं। सुबह स्कूल जाने से पहले अपने दोनों बच्चों को खुद ही खाना खिलाता हूं एवं उसकी दवाई एवं देखरेख करता हूं, लेकिन स्थानांतरण होने की सूचना से पूरा परिवार हताश हो गया है। इस बाबत शिक्षक घनश्याम कुमार ने मुख्यमंत्री से लेकर तमाम पदाधिकारी और मानवाधिकार आयोग को लिखे पत्र में मांग की है कि उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार यदि उनका स्थानांतरण कहीं और कर देती है तो वो सरकार के सामने सामूहिक पूरे परिवार को लेकर आत्मदाह कर लेंगे। सरकार यदि बच्चों से दूर स्थानांतरण करना चाहती है तो इसके बदले उन्हें इच्छा मृत्यु दे दे। डॉक्टर्स का कहना है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक लाइलाज बीमारी है, जिसमें फिजियोथेरेपी और विभिन्न प्रकार की दवाइयों के माध्यम से मसल्स को मूवमेंट करते हुए बच्चों का केयर किया जा सकता है। ऐसे बच्चों के सभी कार्यों की जिम्मेदारी माता पिता पर हो जाती है। ये एक असाध्य बीमारी है। मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को नियोजित शिक्षक की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनका दुख बिल्कुल भी झूठा नहीं है। वहीं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं अमित कुमार, उनका भी कहना है कि उनकी और संघ की पहले से मांग रही है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध नहीं, लेकिन नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए। ऐसे में नियोजित शिक्षक जिनके बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या जिनके माता पिता वृद्धावस्था की लाचारी से जूझ रहे, सरकार उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं देती है तो ये सरकार की और शिक्षा विभाग की प्रचंड संवेदनहीनता होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।